अयोध्या में सब प्रसन्न है। समय बीत रहा है, धीरे 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 जब समय बीता, एक समय ऐसा था श्रवण समीप भये चित केशा। आज राजा दशरथ को लगा कि अब तो बाल सफेद होने लगे, अब तो आयु के अवस्था बढ़ती गई, अब तो राज्य पाठ जो है संभालने के लिए मेरे राम तैयार हो गए, अब मुझे यह कार्यभार, ये व्यवस्था, ये जिम्मेदारी, ये पद राम को सौंप ही देना चाहिए। अब वो लायक भी है, पूरी प्रजा उनसे प्रेम करती है। इस समय तक अवस्था ये थी कि पूरी प्रजा श्री राम जी से अत्यधिक प्रेम करती थी, क्योंकि राम राजकुमार होते हुए भी वह सब कार्य करते थे जो प्रजा के हित में होता था। राम सबके प्रिय हो गए थे राजा बनने से पहले ही, राज्य की घोषणा हो उससे पहले तो सबने राम जी को अपना राजा मान ही लिया था, बस हाँ करने की देर थी। बस दशरथ जी के मन में आया, सब मंत्रिमंडल से बैठक करके यह प्रस्ताव रखा और सबने एक स्वर में कह दिया, अरे राम हमारे राजा होंगे, इससे खुशी की बात क्या होगी। प्रसन्न हो गए सभी। अयोध्या में ये बात मानो एकदम फैल गई, पूरी अयोध्या तैयारी में लगी है, हमारे राम राजा बनेंगे। कह दिया तो फिर अब विलंब न करो, कोई ऐसा समय आए, कोई रुकावट आए, इससे पहले प्रातः काल होते ही अभिषेक कर दो, राम राजा, राजा बना दो मेरे राम को। प्रसन्न है सभी, तैयारियां शुरू, राम जी को सूचना मिली, सबको सूचना मिली और कैकई को सब कुछ स्वयं सुनाने के लिए दशरथ जी गए हैं। तब देखा कैकई थी ही नहीं, मंत्रा ने पहले ही सब कुछ बोल करके उनको कोप भवन भेज दिया। कहां गई है तो पता चला कोप भवन में गई है। कोप भवन सुन सकुचे उड़ाओ, राजा ने जैसे ही सुना कोप भवन, पहले महलों में सब व्यवस्थाएं होती थी और एक कोप भवन भी अलग से होता था, जहां थोड़ा कभी उदास हो, परेशान हो तो रोना धोना हो कभी, तो वहीं उसी भवन में एक अलग से कक्ष होता था, वहां जाके रो करके थोड़ा शांत होकर के फिर बाहर आओ। अब मान लो कि जैसे कि घर परिवार में तो तमाम दुख तकलीफ, अच्छा बुरा, हंसना रोना सब चलता ही है। अब कोई अतिथि आ जाए और यहाँ आपके घर में कोई देवी दुखी है, अब पूरे घर में रोती फिर रही है, परेशान हो रही है, वो भी वो सोचेगा मुझे ही देखकर परेशान हो गई, हम ही बोझ आ गए। मानो जैसे आपके घर में सबके अलग अलग कमरे होते हैं ना, यहाँ अतिथि बैठेंगे, यहाँ भोजनशाला होगी, यहाँ और कक्ष होंगे, वैसे कहीं ना कहीं महलों में अलग से कुछ व्यवस्थाएं जरूर होती थी कि कभी उदास हो मन तो थोड़ी देर एकांत में जाओ और शांत होकर आ जाओ। तो राजा दशरथ को भी लगा कि कोई अशांत मन होगा तो गई होगी, लेकिन हृदय थोड़ा भयभीत हो रहा है, आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था। और जब पहुंचे और अवस्था देखी तो कैकई के ऐसी अवस्था, पूरे आभूषण फेंके पड़े हैं, राजसी वस्त्र सब फेंके पड़े हैं, बड़े सामान्य से वस्त्रों में और ऐसा भेष बना करके, बिल्कुल मलिन भेष, ये जमीन पर लेटी हुई है, सब कुछ छोड़ चुकी है। राजा बड़े प्रेम से पूछते हैं, हे कैकई, आज बहुत खुशी का अवसर है, ऐसे समय में तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसा मलिन अवस्था बनाकर क्यों बैठी हो, क्यों लेटी हो, इस तरह दीन क्यों हो, क्या कारण है, कुछ बताओ, यदि किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ, मैं भयंकर से भयंकर दंड उसको दूंगा, लेकिन आज प्रसन्न हो जाओ, आज का अवसर प्रसन्नता का है, आज बहुत खुशी का दिन है, यदि मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम खुशी से झूमने लगोगी और सब भूल जाओगी, ऐसा दिन है। और सत्य यही था कि कैकई जो है राम जी को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन कहते हैं कि आपका संग भी कुछ मायने रखता है, जब बार बार 100 बार यदि झूठ को भी बोला जाए तो वो भी सत्य लगने लगता है,
सौ बार झूठ को बार बार बोला जाए तो सत्य लगने लगेगा। मंथरा ने बस समझा दिया कि कुछ भी करना लेकिन भरत को राजा बना देना और कहीं भी अड़चन ना आए इसलिए राम को हटा देना, तो राम को वनवास दे देना, दो वरदान है ही, अब इसको मौका मिला, आज खुशी का अवसर है। दशरथ जी कहते हाँ। ये कहती है कि तुम्हें मेरे दो वरदान याद हैं, कभी दिए थे तुमने पर मैंने लिए नहीं थे, आज वो समय है, क्या वो दो वरदान दोगे? दशरथ कहते हैं हे कैकेयी, दो वरदान की बात क्या करती, आज तो तू चार भी मांगेगी तो भी दे दूंगा, आज इतना खुशी का दिन है, तू मांग जो कुछ मांगेगी वो सब तुझे मिलेगा। कैकेयी ने कहा, थोड़ा खुश होकर के बैठ गई और कहा कि सही सत्य कह रहे हो, जो मैं मांगूंगी वो दोगे? दशरथ कहते हाँ, तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। कहा कैकेयी ने कि तुम अपने सबसे प्रिय की सौगंध खाकर कह दो कि तुम दोगे। आज दशरथ कहते कैकेयी, मैं तेरी शपथ खाकर कहता हूँ तू जो मांगेगी दूंगा। कैकेयी ने कहा नहीं नहीं, मेरी नहीं, जो सबसे प्रिय है तुमको उनकी सौगंध खाकर। तब आज दशरथ विवश हो गए और सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा मांगेगी क्या, अरे मेरे प्राण भी मांग लेगी तो भी आज के दिन तो दे ही दूंगा। कहा कैकेयी, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तू जो मांगेगी सो दूंगा, तू जो मांगेगी वही दूंगा। कैकेयी तुरंत उठकर बैठ गई और कहा दो ही वरदान दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए। उसमें से पहला वरदान मेरे पुत्र भरत को यह राज्य गद्दी दे दो। थोड़ा सा धक्का लगा, थोड़ा सा बुरा लगा दशरथ जी को कि कल तो राम राजा बनने वाला है, ये मांगती क्या है, आज रात में मैं कैसे कहूंगा राम को कि अब राजा तुम नहीं तुम्हारा भाई बनेगा। लेकिन फिर भी मन को तसल्ली दे ली वहीं के वहीं कि मेरा राम बहुत धर्मात्मा है, मैं एक बार कह दूंगा कि राज्य भरत को दे दो तो वो तुरंत हंसते हंसते दे देगा, मैं राम को जानता हूँ। यहाँ तक तो संभल गए राजा दशरथ, लेकिन जब दूसरा वरदान मांगा, पहले में मेरे पुत्र भरत को राज्य और दूसरे में तुम्हारे पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास, बस ये सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़े हैं राजा दशरथ। बस यहीं से बात शुरू हो गई, मेरे पुत्र भरत को राज्य और तुम्हारे पुत्र राम को, जिनको कैकेयी कहते कहते नहीं थकती थी कि मेरा राम मेरा राम मेरा राम, आज कहती है तुम्हारा राम, वो भी 14 वर्ष का वनवास और इतने कठोर जंगल की अवस्था, भयंकर राक्षसों के वहां पे अड्डे और तमाम मुश्किलों से घिरा हुआ वो जंगल, बिना अपराध के वहां भेजा नहीं जाता था, कोई बहुत बड़ा अपराध करता था तब जंगलों और वनवासों की सजा सुनाई जाती थी, ने अपराध निष्पाप राम को मैं कैसे जंगल भेज दूं, यह सोच सोच कर मूर्छित हुए दशरथ। जब होश आया तब कहा कैकेयी, तुझे राज्य चाहिए ना राम भरत के लिए तो ले ले, पर राम को वन मत भेज, तुझे जो चाहिए सब कुछ ले ले और मेरे प्राण भी बचे हैं ये भी ले ले, पर मेरे राम को वन मत भेज। आज हाथ जोड़ रहे हैं दशरथ जी, बार बार निवेदन कर रहे हैं, बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं, कैकेयी मान जाओ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ कर कहता हूँ मेरे राम को मुझसे दूर मत करना, अगर राम दूर गया तो प्राण तो वैसे ही निकल जाएंगे, तो वैसे ही प्राण ले ले, पर राम को तो वन मत भेज। आज फुफकारते हुए कैकेयी कहती है क्यों, वैसे ही कहते थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, या तो अपने पूर्वजों के वचन जो तुम लिए घूमते हो उनका नाम उसको खत्म करो, या तो अपने वचन से हटो या तो जो मांगा है वो दो। आज विवश हैं दशरथ,
पूरी रात मूर्छित होते हैं, होश आता है, उठते हैं, फिर गिड़गिड़ाते हैं, फिर कहते हैं रानी मान जाओ, कैकई मान जाओ, मान जाओ, बार बार कहते हैं पर कैकई पर कोई असर नहीं है। आज मानो कठोर बन गई है कैकई, अब सुबह होने वाला है, आज लगा कि अब ये नहीं मानेगी, तब कह दिया कैकई मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ, अरे तू तो पापिन बन गई है, तू अपने ही संतान को खाने चली है, आज भगवान के साक्षी होकर कहता हूँ कि जो भी तेरे साथ मैंने रिश्ता जोड़ा था, आज वो सारा रिश्ता मैं तुझसे तोड़ता हूँ, और कदाचित तेरे पुत्र भरत का भी इस षड्यंत्र में कोई हाथ हो तो मेरा उससे भी कोई रिश्ता नहीं है, आखिरी समय में भी मेरे पास मत आना, सारा जो रिश्ता था प्रेम का वो सब आज समाप्त कर दिया है। और राम 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 कहकर फिर मूर्छित हो जाते हैं, फिर होश आता है, बार बार कैकई को देख कर आस भी लगाते हैं कि अब मान जाए, और दशरथ जी कहते हैं कैकई आज जो तूने मांगा है ना वो सब कुछ ही ले लिया है मुझसे, लेकिन ध्यान रखना तू भी सुखी नहीं रहेगी ऐसा करके, तू राज्य पाकर भी सुखी नहीं रहे। राजा दशरथ बार बार कहते नहीं माने, प्रातः हुआ तो मेरे राम को बुला दो। राम आए और राम जी ने सारी स्थिति जानी, कहा बस इतनी सी बात के लिए आप पिताजी परेशान, 14 वर्ष की तो बात है, बस यूं गया और यूं ही आ जाऊं, सब बीत जाएगा, मेरा भाई राज्य करे या मैं, एक ही तो बात है, इस बहाने से मुझे संत ऋषि मुनियों के दर्शन भी हो जाएंगे, बस इतनी सी तो बात है। राम वो है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी कहते हैं, बस इतना सा ही तो है, हम छोटी छोटी मुश्किलों में भी बहुत बड़ा झंझट समझ लेते हैं, राम वो है जो बड़ी से बड़ी विपदा में भी सहज रहना जानते हैं, सम रहना जानते हैं, ये सीख लेने वाली स्थिति है। अभी जिनको बस राज्य मिलने ही वाला था कि सूचना मिली कि तुम्हें राज्य नहीं मिल रहा, राज्य छोटे भाई को मिल रहा, और छोटी मोटी बात नहीं है, पूरा का पूरा राज्य था, अब तुम्हें जंगल 14 वर्ष जाकर के मुश्किलों का सामना करना है। राम पर वो है चाहे कुछ भी सामने हो उसको संघर्ष बिल्कुल सहज में स्वीकार कर लेते हैं। भगवान विदा लेकर के गए हैं, जानकी जी और लक्ष्मण जी भी साथ गए हैं, अयोध्या वासियों को जैसे तैसे छोड़ करके आगे भगवान बढ़े हैं, केवट इत्यादि को चरण पखरवा करके गंगा जी से पार हो करके आगे चित्रकूट पर पहुँचे। यहाँ जब सुमंत खाली लौट कर आए तो राम राम कहे राम, कहे राम राम कहे राम, राम जी का नाम लेते लेते सब कुछ आज प्राण समर्पित कर दिए, न्योछावर कर दिए राम पर ही, राम में ही जीना और राम में ही समा जाना है, राम नहीं है तो ये प्राण भी नहीं। दशरथ जी का प्राणांत हुआ, शत्रुघ्न और भरत भी नहीं थे, राम लक्ष्मण वन में थे तो उनको ननिहाल से बुलाया गया है, भरत और शत्रुघ्न जी को अंतिम संस्कार इत्यादि किया है, और उसके बाद समय जब आया इनकी 13वीं करने के पश्चात फिर राम जी को लिवाने पहुंचे हैं, तो राम जी तो नहीं आए पर उनकी चरण पादुकाओं को लेकर आए हैं। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लेनी, सब कुछ चरण पादुकाओं में ही समा गया, और 14 वर्ष तक श्री राम जी की चरण पादुकाओं ने राज्य किया है, ऐसा दुनिया में कोई राज्य नहीं मिलेगा आपको। खुद नंदीग्राम में जाकर वैसे ही रहते हैं जैसे राम रहते हैं, ये भाई भाई का प्रेम देखिए, जब आपस में एक दूसरे का सर फोड़े भाई भाई, तो रामायण पढ़ना सुनना और समझना कि भाई का रिश्ता होता क्या है। राम और आगे बढ़े हैं, यहाँ राज्य व्यवस्था भरत जी ने संभाली है, राम और आगे बढ़े हैं, ऋषि मुनियों के दर्शन करने अत्रि अनुसुईया के आश्रम तक होते हुए पंचवटी पर गए हैं, वहीं सुपर्णखा आई है, नाक कान काट कर वापस भेजे, फिर खरदूषण को समाप्त करके 14,000 की सेना को समाप्त किया श्री राम जी ने, फिर समय अनुसार ऐसा हुआ मृग जो बनकर सोने का आया है मारीच, उसको मृग को लाने राम गए हैं,
रावण वेश बदल कर आया और पीछे से जानकी जी का हरण करके ले गया। इसी खोज में श्री राम जी जगह जगह जा रहे हैं, संत ऋषि मुनियों के आश्रमों में गीतराज इत्यादि से भेंट होकर उनका भी जब प्राणांत हुआ तब उनको भी पिता जैसी गति देकर, माता शबरी के बेर खाकर और उनको भी गति देकर, सदगति देकर के, और इस सारी खोज में बजरंग बली को खोज लेते हैं। आज हनुमान जी महाराज मिल जाते हैं। बोलिए बजरंग बली की जय। तो हमारे बजरंग बली फिर बस उनको लेकर सुग्रीव के पास, और वहीं सब पता लगता है, वहीं से सारी कार्य विधि शुरू होती है। जो बाली इत्यादि है उनको समाप्त करके अब सुग्रीव की सारी सेना खोज में चलती है राम जी के साथ में, जानकी जी की खोज के लिए। बजरंग बली ने जामवंत जी के समझाने पर विराट स्वरूप धारण किया और जाकर लंका में प्रवेश करते हुए जानकी जी की खोज करके लंका को ध्वस्त करके वापस आए हैं हमारे हनुमान जी। और कोई श्रेय भी नहीं लिया है तो सामान्य जीवन जी करके, सामान्य उनके बिल्कुल राम जी के चरणों में रह करके बिना कुछ पाए हुए हनुमान जी रहे हैं। इसलिए आज राम जी से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है, इतना कुछ पा लिया है बजरंग बली ने। फिर सेतु निर्माण, समुद्र पर पुल बना दिया श्री राम ने। लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे प्रेम में यह कर देंगे वह कर देंगे, पर कोई प्रेम करना सीखे तो राम जी से सीखो कि अपनी पत्नी की खोज में समुद्र को भी पाट दिया जिसने, समुद्र पर भी पुल बना दिया। प्रेम की असली परिभाषा श्री राम सिखाएंगे तुमको। प्रेम की परिभाषा इन विदेशियों से क्या सीखते हैं जो शरीरों तक सीमित रहती है। प्रेम की परिभाषा तुम्हें राम सिखाएंगे कि रिश्ते क्या होते हैं, प्रेम क्या होता है। समुद्र पर पुल बना दिया, सेना पार हो गई, और वहां आप सब जानते हो कई अवसर दिए हैं राम जी ने समझाने के, लेकिन रावण नहीं समझा तो रावण कुंभकर्ण मेघना सहित सब समाप्त हुए हैं। और रावण पर विजय प्राप्त करके, लंका पर विजय प्राप्त करके सुग्रीव को राज्य देकर श्री राम जानकी जी को लेकर वापस आए हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की।